नहीं करना चाहिए था ब्रो, मैं इतना इतना दिल से आया था उस दिन तेरी स्ट्रीम पे तेरा गेम प्ले देखने के लिए। सो हाई गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम करने वाले कि एक्सपोज एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर का जो हैक करते हुए पकड़ा गया है वैलोरेंट के अंदर, और उसकी जो मेन आईडी है वो हो गई है बैन। और इसी पर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने रिएक्ट करा है और अपने रिएक्शंस दिए हैं, तो आज ही हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में उसके रिएक्शंस। वैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाता क्योंकि मेरा जो चैनल है वो पीसी बिल्ड्स का है, बट मैं बता दूँ अगर आपके गेम में हैकर्स आएंगे तो लोग गेम खेलना छोड़ देंगे और फिर पीसी का कुछ काम नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सीरियस समझा और इस वीडियो को अपने चैनल पर डाल रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। ओके, पर जेड एक नंबर का इंसान है तू ब्रो, एक नंबर का इंसान है तू। नहीं करना चाहिए था ब्रो, मैं इतना इतना दिल से आया था उस दिन तेरी स्ट्रीम पे तेरा गेम प्ले देखने के लिए। मैंने बहुत अच्छे से देखो, आई थिंक मैंने तेको बहुत एडमायर किया तेरे गेम प्ले के लिए। सो गाइस, आपको काफ़ी डेडली रिएक्शन देखने को मिला जिशु की तरफ से, तो मैंने इसमें काफ़ी सारे हिस्से कट कर दिए क्योंकि इसमें बहुत सारी गालियाँ वालियाँ थी और मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपनी गालियाँ वालियों को प्रमोट करे, तो मैंने इसमें सारे मेन पार्ट्स रखे हैं और जिसमें सारे उन्होंने प्रोसेस बताए कि सामने वाले एग्जिट ने क्या क्या यूज़ किया और क्या गलतियाँ करी जिससे उनको पड़ा बैन। तो पूरी वीडियो को एंड तक देख लें, इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो बेसिकली मैं आप लोगों को तीन सिंपल स्टेप्स में बताता हूँ, तीन सिंपल स्टेप्स में क्या हुआ। वो बंदे ने हैक किया, उसका आईडी बैन हो गया। सेकेंडली, जब उसको उसके टीम वाले पूछ रहे थे कि तूने हैक किया या नहीं किया है बता दे, तो उसने बोला नहीं, उसने लिटरली नहीं बोला। द थर्ड पार्ट ऑफ द सिनारियो इज उसका पर्दा खुल गया, उसका भांडा फूट गया, पोल खुल गया। या सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट पार्ट, उसने आईडी पे हैक किया, मतलब व्हाट हैपेंड इज उसने हैक किया और वो बोल रहा था कि उसने वन टाइम हैक किया है। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, अगर आप हैक कर रहे हो तो आप क्या वन टाइम करोगे? अगर मेरी शादी होती है तो मैं क्या वन टाइम शादी करूंगा? मैं बार बार सॉरी, अगर मुझे कोई जगह पसंद आई है तो मैं बार बार नहीं जाऊंगा क्या वहां पे? जाऊंगा ना गाइज, वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहे थे हम लोग। इट वॉज रियली वेरी बैड स्टफ, सॉरी, माई बैड एग्जाम्पल। तो ठीक है, वो बोल रहा था मैंने वन टाइम हैक किया है, मान लिया, MAAN मान लिया, टोटली मान लिया। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, जब बैंक्स ने उसको पूछा था कि भाई तूने हैक किया है, वो लिटरली नहीं बोला। और मेरे को किसी ने क्लिप भेजा, वो स्ट्रीम पे रो रहा था करके, ही वाज लिटरली सेइंग मैंने हैक नहीं किया, वो स्ट्रीम पे रो रहा था, रो रहा था, पानी निकल रहा था, कहां कहां से निकलेगा अभी पता नहीं, बट वो टाइम पे तो उसकी आंखों से निकल रहा था। व्हाट द फक, स्क्रीन पे रो रहा था वो कि आई एम नॉट हैकिंग करके। यार ये तो मेरे से भी ज्यादा ओवर एक्टर निकला बे। कमिंग टू द वेरी सीरियस नोट, वो रोया उस, मतलब जस्ट टू गेन सिंपथी वो बंदा रोया, वो तो समझ गया। बट बाद में जब बिंग्स ने उसको पूछा था ब्रो तू कर रहा है हैक, यहां पे लवड़े किसके लगे? बिंग्स के लगे, पैराट्रूप्स के लगे। मुझे सबसे मुझे एक चीज खटक रही है यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं सही हूं तो आप लोग सब लोग थम्स अप करना, और अगर मैं गलत हूं तो थम्स डाउन करना, ठीक है? बिंग्स ने इतनी बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप से कन्फेस किया कि जेड उसके आईडी से वो टूर्नामेंट खेला, बहुत ही, ये कोई बंदा नहीं करता है पता है, ये कोई, अगर मैं भी रहता, इतना बड़ा ई स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया और उसने कन्फेस किया कि भाई उसने मेरे आईडी से खेला बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑल द डे, वो कुछ और गॉडल का कुछ तो स्ट्रैच वैच कर रहा था, जहां तक मुझे क्लिप देखी है मैंने वहां पे ऐसा बोला गया है। तो आई डोंट थिंक सो ESPL को ये डिसीशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए था। देखो, आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट द ESPL डिसीशन, ESPL ने जो किया वो लॉजिकली ऑन द बुक अकॉर्डिंग टू द ऑन द बुक रूल्स वो करेक्ट है, बट एक उसने जो ई स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है वहां पे, आई डोंट नो ये टर्म होता है या नहीं होता, मैं तो ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आई थिंक जो उसने खुद से बताया वो डिसीजन को वो लोग ने रिस्पेक्ट करना चाहिए था और वो लोग का बैन हटा देना चाहिए, डोंट यू थिंक? जो कितने कितने दिन का, आई थिंक वन मंथ का बैन पड़ा है राइट वो लोग को ESPL से,
तो वो 1 month का आई थिंक निकाल देना चाहिए. आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ पैरा ट्रूप्स हियर. यहाँ पे एक बंदे, यहाँ पे ऑप्टिक इंडिया जैसा सीन मत करो प्लीज. आप लोग इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन हो, आप लोग इंडिया के मैनेजमेंट मैन, इंडिया का मैनेजमेंट हो, डोंट गिव देम अ वेरी बिग वेरी वेरी बिग पनिशमेंट. बिकॉज वहाँ पे जहाँ तक के मुझे नाम याद है, एडिट है, बिंग्स है, कुजूरी है एंड और कौन है रे, एंड इजी इजी आई थिंक इजी है. वो लोग खुद से मेहनत कर रहे हैं, वो लोग कभी भी जेड पे डिपेंडेंट होके नहीं आए थे. डोंट पनिश देम दिस सीवियरली जस्ट फॉर समबडी एल्स मिस्टेक. ऑप्टिक इंडिया ने भी यही डिसीजन लिया था, एक बंदे की वजह से 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी. आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग यू, आई एम जस्ट थिंकिंग, आई एम जस्ट टेलिंग ESPL टू रिकंसिडर देयर डिसीजंस. बिकॉज अगर बिंग्स को पता होता कि वो हैक कर रहा है तो वो उसको टीम में नहीं खेलने देता. तो इसमें 4 लोगों की गलती नहीं है. आप 4 लोगों को एक बंदे की वजह से पनिशमेंट नहीं दे सकते हो. 6 months का बैन है, व्हाट? कम ऑन ESPL ब्रो, वी आर वन फैमिली, वी आर वन कम्युनिटी. आई थिंक ये ज्यादा पनिशमेंट हो गया. 6 months इज अ ह्यूज टर्म. 6 months में मेरी शादी हो सकती है, 6 months में मैं मिलियनर बन सकता हूँ, 6 months में बहुत सारी चीजें हो सकती है. आई विल रियली इंसिस्ट ESPL गाइस, देखो आई डोंट पर्सनली नो एनीबडी, आई डोंट पर्सनली नो पैराट्रूप्स, आई डोंट पर्सनली नो एनी ऑफ द प्लेयर. आई एम नॉट टेकिंग एनीबडीज साइड नहीं साइड, बट आई थिंक यू शुड रिकंसिडर योर डिसीजन. Let them be DQ'd from whatever the ongoing tournament is. Please let them play from the next tournaments. Dhabba mat lagao kisi ke naam pe ya fir kisi ke character pe just because of one person. तो गाइस यही थे व्यूज इशू की तरफ से उनकी स्ट्रीम पे जो उन्होंने एग्जिट के खिलाफ दिए थे. तो आप बताओ कि उनका स्ट्रीम अनबैन होना चाहिए नहीं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना. और लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर चैनल को और घंटे के आइकन को जरूर दबाना, वरना मेरी लेटेस्ट वीडियोस नहीं मिल पाएंगी. तब तक के लिए बाय गाइस. You're a superhero.